ये दो पिक्चर्स जो मैंने आपको व्हाइट में कलर में लगाई है तब कैमरा फोकस तक क्लास नहीं यहाँ से हवा ऊपर आती है, ये एलिवेटेड है ना, तो वो इसका असूल ये होता है कि आगे कॉरिडोर बना देते हैं, जितना पतला पीछे से खुला करें हवा ज्यादा ऊपर आती है, ठंडी होकर ऊपर आती थी और ऊपर की गर्म हवा ऊपर की रोशनदान से बाहर चली जाती है। ये ड्रेसिंग टेबल का डिजाइन चेक करें जरा, रिसीविंग प्रेसिडेंट क्लियर बहुत आ रहा है, रिसीविंग प्रेसिडेंट अयूब एट सादिकगढ़। चल नवाब साहब का बेडरूम था, ये बेड रेप्लिका है, असली बेड सोने का हुआ करता था और उस वक्त पेरिस से मंगवाया था, जबकि बाकी फर्नीचर सोफा ड्रेसिंग और चेयर्स असली वो लुक क्या तू देखिये, मैं आपको कह रहा हूँ इस तरह का बेड होना चाहिए, बैठ नहीं सकते नवाब साहब के बेड के साथ तस्वीर ओके। अच्छा ये आप देखें, ये यही डिजाइन बनेगा बेड का, अल्लाह रहम ही करे, मुझे पसंद है यार, ये देखो सोने का था और बहुत बड़ा था, यहाँ तो कैसे आता इस साइड पे, अब परपोर्शन कैसे करते थे ना, हाँ जी बेटा साइड पे होना जरा, अच्छी साइड हाँ ध्यान आ रहा, जब बेडरूम में नहीं होते तो यहाँ पे होते हैं। नवाज साहब मिनिमलिज्म पे यकीन नहीं था इनका, जबकि ये कोट तुर्किश का है, हुक्का और कैमरा असली है। ये सामान की लकड़ी और इटालियन टाइल्स जो कि महल में इस्तेमाल हुई है जब उसकी रेनोवेशन की गई, कुछ निकाल के सेव की गई। और व्हाट अबाउट दिस, ये भी रेप्लिका है, ये भी रेप्लिका है, ये दो और वो, और ये नवाब साहब का सहरा तो सुन लो, हज पे गए थे, हज पे जाते हुए अपने साथ गुलाफे काबा तोहफे में बनवा कर लेके गए थे, जो गुलाफे काबा तब्दील किया वो नवाब साहब को तोहफे में दिया गया, ये उसका एक पीस है। इंटरेस्टिंग, इसके अंदर होगा स्टिच्ड है। 1868 में प्रिंटिंग प्रेस जो मशीन लगवाई थी वो मशीन है और ये वर्किंग स्टेट में। ये नवाब साहब और इसकी फैमिली की इंग्लिश में कुछ, ये उनका भूंगू है ये लोटा, ये एक्चुअल लोटा है या ये कुछ और है, लोटा ही है, वो कैटल है, कैटल है। और दूसरा वो देखो वो जो ये वो केक, केक लिफ्ट है, इसमें मोनोग्राम पर कैंडल स्टैंड, कैंडल स्टैंड, पेन स्टैंड,
क्लासी भी थे यार। ये रियासत बहावलपुर के सिक्के, ये डाक टिकट, हाँ ये रियासत बहावलपुर का झंडा, ये उस वक्त की आर्मी के कुछ बैजेस, और ये हाकड़ा याद कैसे रखा है? ये हाकड़ा सिविलाइजेशन 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। 7000 साल पुरानी, क्या नाम है सिविलाइजेशन का? हाकड़ा। मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना। हाकड़ा दरिया भी था जो आपने लिया। नींद आ रही है। नवाब साहब के सबसे बड़े बेटे अब्बास अब्बासी की शादी के कार्ड फरावानी दौलत देखी हर के माँ के लिए उसमें मोहब्बत देखी आले अब्बास की इन आँखों से अजमत देखी आज उस शाह के है नूरे नजर की शादी आज उस शाह के है लखते जिगर की शादी हो मुबारक तुझे अब्बास अदा सहरे की। ये अब्बास पता कौन है ना? बनी अब्बास। हाँ ठीक है, बनी अब्बास। ये अब्बास उनके बेटे का नाम भी अब्बास ही था। अब्बास अब्बासी नाम था उनके बेटे का। अब्बास हाँ वो लिखा हुआ है ना मोहम्मद अब्बास। हाँ मैंने पीछे पढ़ लिया था। इस रूम में जो होते हैं ऐसे इसमें सहरा चोलिस्तान का कल्चर सकाफत बयान की गई है कि यहाँ पर कैसा लोग कैसे औरतें कैसे चुनरी पहना करती थी किराया चरखा नो रखा पड़े ऊंट को सजाने के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है और ये छोटी ऊंट को मारना ये चोलिस्तान के दूल्हे का लिबास ये तो इस तरह की तो मेरे पास चादर गिफ्ट मिली थी बस हो गई घराना मिजाज के दूल्हे होंगे अजरक 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 की वो होती है चादर चक्की चक्की पीसिंग दुल्हन का लिबास दूल्हे का लिबास ज्यादा रंगीन है नवाबी शॉप ये क्या है सीनियर शॉप है गिफ्ट शॉप हां मुझे गिफ्ट चाहिए अगर आप पसंद आता है आप ले सकते हैं हां अगर आपको कुछ पसंद आता है ले सकते हैं फॉर सेल वी आर मिनिमलिस्ट सुराहीदार गर्दन यार मुझे पानी इधर से पिलाया कर सब ऐसे कि नहीं चले सब ये कितनी है नहीं मैंने इसको कभी सेल होते हुए देखा नहीं तब से ये यही लगा है हाँ वो नीचे वाले सेल है मैं वो पसंद आ रही है कितने का ये मुझे दीवार पे लगा कितने का 8000 रुपए का ये 8000 है 800 है 8000 है मैडम 3 0 लगाए हुए ये देखिए 8000 आप यहाँ पे आए हैं तो चलो नहीं हमें नहीं चाहिए कोई और शाही बाजार लेके जाऊंगा आपको वहाँ से चाइना का मिल जाएगा चलो जरूर ये ले लीजिए ये ले लीजिए वो नौसम की गाड़ी भी है काले रंग की हजबैन 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 अच्छा ठीक है ठीक है अपनी गाड़ी साथ लेके जाता इससे आगे वो शाले बकी है अच्छा
کیونکہ شاہی خاندان ایک محل سے دوسرے محل آنے جانے کے لیے استعمال کرتا تھا یا بازار وہ بھی ریپلیکا نہیں اوریجنل ہے یہ دونوں چلتی بھی اس کے آگے گھوڑے لگتے ہیں یہ تو وہ ہے انجن والی اس کے علاوہ نیچے تہہ خانہ وہ ہے مغربی تہہ خانہ ہاں میں نے نہیں دیکھی بتھیرا ہو گیا اس میں کچھ نہیں ہے اس میں رومز ہیں رومز میں ایل ای ڈیز لگا کے لکھا ہوا ہے کہ یہ روم کس لیے استعمال بس ہم نے نہیں بس ٹھیک ویٹرز کے لیے تھا تو اس میں یہ کچن تھا یہ عورتوں کا میک اپ روم تھا یہ دی دی ہم نے خرید کی ریسٹورنٹ ہے اچھا وہ مسجد ہے